बीजेपी पार्टी की तरफ से अमृतसर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और मेयर रिंटू के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं करवाया गया है। शहर की सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, कुछ समय बारिश होने पर ही सड़कों में पानी भर जाता है। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अमृतसर, आज साढ़े जिला के अध्यक्ष भाजपा के श्रीमान सुरेश मान जी के अध्यक्षता आज अभी एक विशाल रोड प्रदर्शन कारपोरेशन के दफ्तर के बाहर आए हैं, जिसका एक ही कारण है कि जी कांग्रेस की सरकार साढ़े चार साल तो पंजाब राज कर रही है, इन्हों के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह जे नवे नवे मुखिया बने ने नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि एक झूठ की फैक्ट्री है, झूठ का बुलंदा है। सरकार जाने तो पहले ने बहुत वे वे वादे किए कि नशा मुक्त सरकार करा, घर घर नौकरी देवे, घर घर बेरोजगार पक्का देवे। सो अज ये सरकार साढ़े चार साल तक कोई विकास तो नहीं किया, पर साढ़े चार साल तो जहां रच के सरकार को लुटिया। भारतीय जनता पार्टी समूची लीडरशिप जिहड़ा अमृतसर कारपोरेशन भ्रष्टाचार दौरा ते है उसके खिलाफ असी इन्होंने दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया वा, क्योंकि कारपोरेशन के कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं हो रहा वा और शहर का बहुत माड़ा हाल है। जे किसी गरीब ने माड़ा जहा मकान बनाना हो तो इन्हों की पूरी टीम उन्होंने तोड़न वास्ते पहुंच जाती है। जनता पार्टी जिला अमृतसर वालों तुम देख रहे हो एक बड़ा इकट्ठ सैकड़िया की गिनती में कार्यकर्ता अपनी अपनी कारपोरेशन को अपने अपने वोट लैके आए हैं। ये वो लोग ने जेडे कारपोरेशन की कांग्रेस की सरकार को परेशान ने, जिन्हों रोज़ गंदा पानी पीन में मिल रहा, जिन्हों का सीवरेज सिस्टम जाम होया पाया, लोगों के घर गंदा पानी आ रहा, जिन्हों लोगों के घर बीमारियां फैल रही हैं।